নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্যনৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। यौन संबंधी इस बीमारी को नज़रअंदाज ना करें पुरुष, लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से मिले। मानव शरीर की संरचना जितनी जटिल है उतनी ही जटिल इसकी समस्याएं भी है। शरीर के बहुत सारे अंग इतने संवेदनशील होते हैं कि जिसके लिए जरा सी लापरवाही बड़ी से बड़ी समस्या बन जाती है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग जरा सी धूल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उन्हें सर्दी, एलर्जी जैसी बीमारी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर शरीर की कुछ बीमारियों को अनदेखा करते हैं। खासकर यौन समस्याओं को लेकर लोग खुलकर बात तक नहीं करना चाहते। ना केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी इन समस्याओं में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। विशेषज्ञों के मुताबिक यौन समस्याओं को छुपाना नहीं चाहिए बल्कि इन पर खुलकर बात होनी चाहिए और डॉक्टर से संपर्क भी करना चाहिए, अन्यथा कुछ समय के बाद यह बड़ी समस्या बन सकती है। पुरुषों में होने वाले यौन समस्याओं में एक है लिंग का टेढ़ापन, जिसको पेरोनाइन डिजीज कहते हैं। लिंग के ऊतकों में क्षति के कारण यह स्थिति पैदा होती है। इस समस्या से ग्रसित पुरुषों के लिंग में तनाव आने के दौरान काफी दर्द होता है। इस समस्या में पुरुषों के लिए यौन संबंध बनाना भी मुश्किल हो जाता है। लिंग में टेढ़ेपन की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। इसकी शुरुआत लिंग में कहीं गांठ का अनुभव होने या दर्द के साथ होती है। खासकर लिंग में तनाव आने के दौरान इस स्थिति का अनुभव होता है। इस समस्या के लक्षण दिखने पर जरा भी नजरअंदाज किया जाना भविष्य में भारी पड़ सकता है। पुरुष को होने वाली ऐसी समस्या में अक्सर इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। लिंग के ऊपर या नीचे की ओर मुड़ जाना, लिंग पर गांठ महसूस होना, लिंग के ऊतकों में कड़ापन, लिंग का आकार प्रभावित होना, लिंग में तनाव के दौरान दर्द महसूस होना, उत्तेजना की स्थिति में होता है अनुभव। इस समस्या से ग्रस्त पुरुषों का लिंग जब सामान्य स्थिति में होता है तो हो सकता है कि किसी प्रकार की लक्षण ना दिखाई दे, लेकिन लिंग के उत्तेजित होने की स्थिति में लक्षण दिखने लगते हैं। लिंग में तनाव आने के बाद या किसी ओर मुड़ जाता है, इसमें दर्द भी महसूस होता है। समय के साथ दर्द तो कम होने लगता है लेकिन लिंग में टेढ़ेपन की समस्या रह ही जाती है। इस समस्या में लिंग उत्तेजना के दौरान दर्द बढ़ना समस्या के गंभीर होने का इशारा करता है। पुरुषों को यौन संबंध के दौरान परेशानी और दर्द अनुभव होता है। लिंग में टेढ़ेपन वाले स्थान के नीचे कड़ी गांठ जैसा महसूस होता है। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि लिंग में टेढ़ेपन के कारण यौन संबंध बनाने की क्षमता भी कम होने लगती है। ठोस कारण स्पष्ट नहीं, लिंग में टेढ़ेपन का कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी तरह की चोट के कारण ऐसा हुआ हो। कई बार ऐसी चोट का पता भी नहीं चलता। किसी खेल, किसी दुर्घटना या यौन संबंध के दौरान लिंग के एक ही स्थान पर बल या चोट पहुंचने से सूजन आ जाती है या एक निशान के रूप में भी दिखता है। इसे आनुवंशिक कारण भी माने जाते हैं। जांच से उपचार की शुरुआत। इस समस्या के लक्षण दिखाई दे तो उपचार के लिए यौन रोग या मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। कारणों का पता लगाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले कुछ जांच करवाते हैं। जांच के दौरान ऊतकों में सूजन, दर्द वगैरह स्थितियों का पता लगाया जाता है। जांच के बाद दवाओं के जरिए ठीक करने की कोशिश की जाती है। इससे मनोवैज्ञानिक की भी मदद ली जाती है। दवाओं या अन्य थेरेपी से ठीक नहीं होने पर सर्जरी कराने की भी जरूरत
पड़ सकती है। डॉक्टर स्थिति देखने के बाद इन गैर सर्जिकल थेरेपी के जरिए भी समस्या ठीक करने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन थेरेपी, हाइपरथर्मिया थेरेपी, वैक्यूम इरेक्टाइल डिवाइस, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर लिंग का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। लिंग में कैल्शियम जमने के संदेह पर एक्सरे की मदद भी ली जाती है। वहीं डायबिटीज या हार्मोनल फ्लक्चुएशन वाले पुरुष को ब्लड जांच की भी सलाह दी जाती है। आमतौर पर दवाओं के जरिए ठीक करने की कोशिश की जाती है, नहीं तो सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी कदम ना उठावें। किसी भी तरह की समस्या के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलना लाभकारी होगा। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय, तुरंत मिलेगी राहत। कई लोगों को फटी एड़ियां की समस्याएं रहती हैं। फटी एड़ियों में काफी दर्द भी होता है। आमतौर पर ये समस्या घर में काम करने वाली महिलाओं से अधिक होती है। आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको आजमाने से आप फटी एड़ियों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एड़ियों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। आपको बता दें, मॉइस्चराइजर की कमी के कारण एड़ियां फट जाती है। आइए जानते हैं फटी एड़ियों से छुटकारा पाने की घरेलू उपाय। नमक, गुलाब जल और ग्लिसरीन का करें इस्तेमाल। नमक, गुलाब जल और ग्लिसरीन का इस्तेमाल करने से फटी एड़ियों से छुटकारा मिल जाता है। फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के लिए एक बाल्टी में गर्म पानी ले लें और इस गर्म पानी में एक चम्मच नमक और दो चम्मच ग्लिसरीन और गुलाब जल डालें। इस पानी में अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक रखने के बाद एड़ियों को स्क्रब करें। वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करें। फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के लिए आप वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। वेजिटेबल ऑयल से काफी मात्रा में एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो फटी एड़ियों को ठीक करने में सहायक होते हैं। फटी एड़ियों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने एड़ियों में वेजिटेबल ऑयल लगाएं। पेट्रोलियम जेली लगाने से फटी एड़ियों से छुटकारा मिलता है। पेट्रोलियम जेली त्वचा को सॉफ्ट और हाइड्रेट रखती है। आपको बता दें, पेट्रोलियम जेली मॉइस्चराइजर का काम करती है। इसके इस्तेमाल से फटी एड़ियां ठीक हो जाती हैं। शहद, फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के लिए आधी बाल्टी गर्म पानी में एक कप शहद मिला लें। 15 से 20 मिनट पैरों को इस बाल्टी में रखें। इसके बाद पैरों को स्क्रब करें। एड़ियों को सॉफ्ट बनाने के लिए रोजाना आप ऐसा कर सकते हैं। यह स्पीच आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए साझा किया गया है। किसी बीमारी के पेशेंट है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।